तो भजन में सजनों कैसे कवि ने बताया कि इंसान इस मनुष्य जूनी में आके अपने आप को बेरानी के समझन लग गया। इंसान के अंदर जब मैं आ जा तो उसके अंदर बुद्धि नहीं रहती, शैतान वास करता है। और फिर उसने जब वो शैतान वास करता है तो अच्छी बातों का तो मतलब नहीं कि उसके अंदर अच्छी बातें वास करें। बड़े सुनने लायक बात होंगी, ध्यान तो प्रेम से सुनेंगे कैसे भजन में क्या बताते हैं। इंसान चाहता है कि जिसके पास कोई पावर होगा वो दूसरे मानस को यूं नहीं चाहता कि ये भी तेरे से आगे बढ़ के चले, नू चाहेगा कि जिसने एक मिनट में खत्म कर दे। लेकिन वो ये भूल जाता है कि तेरे से ऊपर भी कोई है। इंसान को चार चीजें कभी नहीं भूलनी चाहिए। पता नहीं किसके साथ कब कैसे कहां आए आजा क्या बता। पहली बात जैसे जिसकी जहां लिखी उसे सकता कोई बदले को ना, वक्त से पहले जान छीन ले ईसा किसे मैं बले को ना, जिसके अंदर मैं आजा उड़े रहती कभी अकले को ना, जीवन के दिन पूरे बाबा जी मान सम्मान करते हैं अपने बच्चों का, बार बार धन्यवाद है।
ठेकेदार जी 200 रुपए से मान सम्मान करते हैं, बार बार धन्यवाद है। और बाबा जी ने 100 रुपए से और अपने बच्चों का मान सम्मान किया, बार बार धन्यवाद। बहुत ही अच्छे कलाकार भाई मदन जी इसी गांव से किसरा, इसी गांव से बहुत ही अच्छे कलाकार है, 100 रुपए से मान सम्मान करते हैं, बार बार धन्यवाद है, धन्यवाद। चार चीजें कौन सी बताई, जब जैसे जिसकी जहां, ये कभी बता नहीं होती। दूसरी कली में बताया सजनो कि करने वाला तो सब वो है, मानस तो खाम खाए अपने मन में अपनी बुद्धि में भया फिर है। कैसे दूसरी कली में क्या बता दिया बाबा, क्या के जो फटा पुराना हो
जो जीवन का सार समझ ले वो नर अकल बन सियाणा। खाली हाथ पड़े तने जाना संग लेके एक लंगोटी। हे मूर्ख क्या ले आया है और क्या लेकर जाएगा। अच्छा भी और बुराई दो चीज साथ में जाते हैं। कैसे आखिर में क्या अजमेर खरब नारा गांव से 100 रुपए से मान सम्मान करते हैं। बार बार धन्यवाद है। धन्यवाद कुछ और करनी कुछ रुकी मार।